हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक। आई सोनिया अरोड़ा वेलकम यू ऑल। आई होप कि तुसा बिल्कुल ठीक ठाक हो। आई स्टार्ट कर दिया आपां मास्टर ग्रेडर इंग्लिश दा एमसीक्यूज दा फर्स्ट सेशन। पहला सेशन लगावांगे। इस फर्स्ट सेशन दे नाल ही बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे राइटर्स, उना दे वर्क्स, सारे इयर्स, मंथ्स जो भी है तुहानू नाल नाल रिकॉल हुंदे जांगे, याद हुंदे जांगे, राइट। सो अगर तुसी कंप्लीट फुल फ्लेज इंग्लिश दी प्रेपरेशन करना चाहुंदे हो आउण वाले एग्जाम लई, आउण वाले मास्टर ग्रेडर दे एग्जाम लई, तां लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, ग्रामर दा कंप्लीट टेस्ट सीरीज इंक्लूड टेस्ट बैच अपना स्टार्ट हो चुका है, जेड़ा कि अपनी एप्लीकेशन के उपर मिलेगा। केड़ी सोनिया अरोड़ा एप्लीकेशन के उपर कंप्लीट तुहानू मास्टर ग्रेडर इंग्लिश का बैच मिलेगा। डाउनलोड ऐप करोगे तुसी प्ले स्टोर तो सोनिया अरोड़ा। कोई भी डाउट है तुहानू किसी तरह की, कोई भी तुहाडी जानकारी लेना चाहते हो इस बैच के रिलेटेड, तो तुसी दिते हुए नंबर उपर, इस नंबर के उपर तुसी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, गल कर सकते हो, ठीक है। सो लिटरेचर एक ऐसी चीज है, लिटरेचर एक ऐसी चीज है जिन्हें जैसे बहुत सारे टर्म्स रिवाइज करनी होंगी, बार बार रिकॉल करनी होंगी है, सो दैट कि साडे पेपर च एमसीक्यूज बनन, तो असि कोरिलेट करके उन्होंने याद रख सकिए, राइट। तो चलो इस बैच की अगर प्राइस की गल करिए, 1999 बैच का प्राइस है। पहला ये वाला बैच अपना जेड़ा इस तो पहला वाला बैच सी लास्ट ईयर, वो अपना 3000 का बैच सी। इस बैच का प्राइस है 1999, वैलिडिटी रहेगी एक साल की। हर एक जिवे जिवे काम करते जावांगे उन्हें नाल नाल एमसीक्यूज, पीडीएफ नोट्स, प्लस तुहानू टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगी। टेस्ट सीरीज नाल नाल मिलती चलेगी। असि एक एक राइटर के उपर काम करते हैं, फिर दो दो राइटर से काम करते हैं, फिर पूरे सारे राइटर के उपर काम करके उन्होंने एमसीक्यूज लगाने, उन्होंने टेस्ट लगाने, सो दैट चीजें रिवाइज होंगे चलन, ठीक है। तो बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर से तुसी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अज की क्लास का पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज रविंद्र नाथ टैगोर बोर्न। असि अगर इंडियन इंग्लिश राइटर्स की गल करिए, राइटर्स की गल करिए, तो उन्होंने राइटर्स के उपर पहला एक राइटर से काम करा, दो से काम करा, फिर तीन से, फिर असी दो एमसीक्यूज लावे। पहला असी एक एमसीक्यूज, फिर दो दे, फिर तीन दे मिक्स एमसीक्यू, फिर पूरे दे पूरे चार पांच राइटर दे मिक्स एमसीक्यूज, उन्हें की होंगे चीजा कोरिलेट कर लेने असं। इसलिए हम अगर असं गल करिए रविंद्र नाथ टैगोर जी का बर्थ कितने होया, कदों होया, हम अगर असं गल करिए, सब तो पहला तुम एक गल देखोगे, असं गल रखते हाँ रविंद्र नाथ टैगोर, रविंद्र नाथ टैगोर की गल करोगे। उदो बाद असी अगर गल करिए आर के नारायण की गल करिए, ठीक है, असी मुल्क राज आनंद की गल करिए, ठीक, अगर असी खुशवंत सिंह की गल, हम तुम देखो एक क्वेश्चन के नाल सानू किन्ने सारे कंसैप्ट याद हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अगर असी इन्हां राइटर्स की गल करिए, देखो जी सब तो बड़े इन्हों चार राइटर की अगर एज का कंपेरिजन करिए, कंफ्यूजन आ रही है, तो सब तो ज्यादा जिन्हें एज सब तो ज्यादा बड़े इन्हों चो जिन्हों की एज सब तो ज्यादा सी, बड़े सी इन्हों चो केड़े राइटर सी, वो सन रविंद्र नाथ टैगोर जिन्हों का बर्थ होया सी 1861 इन्हों का बर्थ होया सी, केड़ी जगह ते बर्थ होया सी इन्हों का, यह बंगाली सन, इन्हों बंगाली वॉली मैथ के नाम नाल भी जानते जाते, इन्हों बंगाली पॉली मैथ के नाम नाल भी जाने जाता है, इन्हों का बर्थ है बंगाली सी, तो डेफिनेटली इन्हों का बर्थ कितने होना चाहिए, चेन्नई कलकत्ता, इन्हों का बर्थ कितने होया, कलकत्ता होया जो ब्रिटिश प्रेजिडेंसी, जो ब्रिटिश इंडिया की गल करिए बंगाल प्रेजिडेंसी होया, बंगाल प्रेजिडेंसी, हम इस तो बाद एक होर कंसैप्ट देखो जी, अगर असी गल करिए बर्थ दी, कलकत्ता होया सी इन्हों का, ठीक है जी, बंगाल प्रेजिडेंसी सी, ब्रिटिश इंडिया की गल कर रहे हैं, 1861 की गल कर रहे हैं, हदाली विच किंदा बर्थ होया सी, खुशवंत सिंह जी का, हदाली विच अमृतसर, ठीक है, पंजाब विच किंदा होया सीगा, खुशवंत सिंह का बर्थ होया सी। अगर असी गल करिए सब तो एज च बड़े कौन सन, रविंद्र नाथ टैगोर, उदो बाद अगर असी गल करिए, उदो बाद अगर कोई राइटर हुए उन्होंने तो बाद 1905 विच कौन सी, मुल्क राज आनंद जी का बर्थ होया सी, किदा होया सी, मुल्क राज आनंद का बर्थ उन्होंने तो बाद होया सी 1905 विच। अगर असी गल करिए आर के नारायण का बर्थ होया सी 1906, मतलब मुल्क राज आनंद उन्होंने तो एक साल वड्डे सन। पर अगर असी गल करिए अवार्ड्स की, अगर असी गल करिए अवार्ड्स की, अगे चल के डिस्कस करांगे, तो बई पहला अवार्ड, पहला उन्होंने अवार्ड आर के नारायण मिलिया सीगा, अवार्ड इन्हों मिलिया सीगा, ना कि इन्हों मिलिया सी, राइट, ठीक है जी। अगर असी गल करते हैं साहित्य अकैडमी अवार्ड, देखो एज चे वड्डे सी, बट साहित्य अकैडमी अवार्ड पहला किनू मिलिया सीगा, पहला मिलिया सी आर के नारायण नू मिलिया सी, बाद च मुल्क राज आनंद नू मिलिया सी, इस नू आपां डिटेल च अगे चल के डिस्कस करांगे। खुशवंत सिंह जी दा बर्थ अगर गल करां तां इन्हां तों काफी टाइम बाद
1900 proteins. कंसेप्ट क्लियर। हुण अगर असि गल करिए नेक्स्ट, तुसी एक गल देखियो, आर के नारायण दा बर्थ 1906 च होया सी। इस टर्म नू, इस वैल्यू नू उल्टा कर, इस वैल्यू नू कर दो तुसी 1906। 1960 विच आर के नारायण नू केड़ा अवार्ड मिलिया सी? साहित्य अकैडमी अवार्ड। केड़ा अवार्ड मिलिया सी? साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया सी। किंदे वास्ते मिलिया सी उसी अगे डिटेल च जाके डिस्कस करांगे। कंसेप्ट क्लियर है इत्थों तक? ओके जी। हुण अगर असीं रविंद्रनाथ टैगोर की गल करिए, हुण असीं अगर रविंद्रनाथ टैगोर की गल करिए, इन्हां नू की कहा जांदा है? बंगाली पोलीमैथ बोलिया जांदा रविंद्रनाथ टैगोर। अगर असीं गल करिए बांग्लादेश दे नैशनल एंथम, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश भाई किन्ने लिखा सीगा, किन्ने कंपोज किया सी? वन एंड ओनली रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा सी, जिन्हों का बर्थ कदों होया सी आपां हुणे पढ़ के हटे हां, 1861 विच। 1861 विच ओह इन्हां राइटर्स तों सब तों ज्यादा सीनियर सी। सब तों ज्यादा सीनियर की मतलब सीनियर ही सीगे, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा सी नैशनल एंथम ऑफ बेंगोल, जिंदा नाम की सी अमर शोनर बांगला। उस नैशनल एंथम का नाम की सीगा? अमर शोनर बांगला। बांग्लादेश नाल रिलेटेड सी ए नेशनल एंथम दा नाम सीगा। ए वाला पॉइंट याद रखांगे, ठीक है जी। उस तो बाद अगर असी गल करिए, एक होर कंसेप्ट है इन्हां दे रिलेटेड जिहड़ा काफी ज्यादा इंपोर्टेंट मन्निया जांदा है। इन्हां ने एक एडिट मैगजीन एडिट किया सी, रविंद्रनाथ टैगोर ही एडिटेड अ मैगजीन। उन्होंने एक मैगजीन एडिट किया सी जिहड़ा कि काफी ज्यादा पॉपुलर होया सी। असीं इस पूरे कंसैप्ट च किहदी गल कर रहे हां? असीं गल कर रहे हां बई रविंद्रनाथ टैगोर दी, जिन्हां दा बर्थ कदों होया सी? 1861 विच होया सी। किथे होया सी? कलकत्ता च होया सी। हुण असीं गल कर रहे हां उन्होंने किहड़ा मैगजीन एडिट किया सी, जदों गल ही बांग्लादेश दी कर रहा सी तां इहनां किया सी बंगा दर्शन। की नाम सी उस मैगजीन दा? बंगा दर्शन, राइट। डन। इन्हां दे रिलेटेड जिन्ने इंपोर्टेंट लगदे सी एक बारी एमसीक्यू आपां कर सकदे हां, आपां नाल नाल इहनूं रिवाइज करदे चलांगे। डन है जी इत्थों तक? ठीक है जी। बंगाली पोलीमैथ कहा जांदा सी इन्हां नूं, ठीक है। इन्हां ने बांग्लादेश दा नैशनल एंथम लिखिया सी, केड़ा? अमर शोनर बांगला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलदे हां असीं। दैट इज फ्रॉम विच ईयर साहित्य अकैडमी अवार्ड वॉज स्टार्टड? स्टार्ट कदों होया सी, एस्टैब्लिश कदों होया सीगा, किस टाइम पहली बार इंडिया च एस्टैब्लिश किया गया सी इस रूल नू, साहित्य अकैडमी अवार्ड नू? अगर असी गल करिए बई, मैं तुहानू हुणे दस्या कि सब तो पहला अवार्ड किनू मिलिया सी? आर के नारायण नू मिलिया सी। कदों मिलिया सी आर के नारायण जी नू? 1906 ठीक है। हुण अगर गल करिए असी जी आर के नारायण नू, जिहड़ा साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया सी किस वास्ते मिलिया सी? ओह उहनां दे फेमस एक नॉवल वास्ते मिलिया सी जिहदा नाम सी द गाइड। याद है द गाइड ते एक मूवी भी बनी सी, इहदी क्लास भी पई है, इत्थे चैक करियो तुसीं प्लेलिस्ट, क्लास भी पई है इसदी। द गाइड, द गाइड कदों पबलिश होया सी? 1958 विच ये पबलिश होया सी नॉवल। 1960 विच इस ते मूवी बनी सी, ते उस करके इन्हां नूं की मिलिया सी? साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया सी आर के नारायण नूं 1960 विच। मतलब ये वाली ऑप्शन असीं कट दिंदे हां, मतलब असीं ये वाली ऑप्शन कट दिंदे हां, ठीक है जी। ओदो बाद अगर असीं गल करिए बई, मैं कहा सी मुल्क राज आनंद जी नूं भी एक अवार्ड मिलिया सी। मुल्क राज आनंद जी नूं भी साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया सी, बट आर के नारायण तों बाद मिलिया सी। तां मतलब उहनां नूं कदों मिलिया सीगा? 1971 विच। किंदे करके मिलिया सी? द मॉर्निंग फेस। किंदे करके मिलिया सी? द मॉर्निंग फेस करके मिलिया सी मुल्क राज आनंद नूं, जिहड़ा कि पबलिश होया सी 1968।
1968 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1971 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1954 ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲਿਏ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਥ ਤੇ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਰਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ, ਹੂ ਵਾਸ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ? ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੱਟਾਂਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸਨ? ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਸਨ ਫਾਦਰ ਆਫ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਈਟ। ਕਦੋਂ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, 1915 ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਘ। 1915 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ। ਐਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ? ਇਹ ਜੀ, ਐਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ। ਫੇਮਸ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ ਐਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕੌਣ ਸਨ? ਫਾਦਰ ਆਫ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1861 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1861 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਆਫ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼। ਕਿਹੜਾ? ਅਮਰ ਸ਼ੋਨਰ ਬਾਂਗਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ, ਬੰਗਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1905 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਰਥ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1861 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? 1905 ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਲਿਖਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਈਅਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1861 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ, 1905 ਚ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 1971 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫੇਸ ਕਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1968 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰੋ ਬਈ, ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ। ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਹੈ ਦ ਗੋਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦ ਗੋਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, ਕਿਹਦਾ ਵਰਕ ਹੈ? ਦ ਗੋਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ, ਦ ਗੋਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ ਕਿਹਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਈ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਫੇਮਸ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਕਿੰਦਾ ਜੀ? ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਫੇਮਸ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਦ ਗੋਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ। ਦ ਗੋਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1960 ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1960 ਵਿੱਚ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ 1960 ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। 1960 ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦ ਗਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। 1950 ਵਿੱਚ ਦ ਗਾਈਡ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਰਾਜੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਸੀ, ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਵਾਨੰਦ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਈ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦ ਗੋਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ? ਕੇਰਲਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੋਆ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਨਾਵਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਬੇਸਡ ਹੈ ਨਾਵਲ,
ठीक है, केरला च केड़ी जगह, केड़ी जगह की गल कर दिया सी, इस च गल की सी आई मैनम, क्लियर। ए प्लेस है, इस ते बेस सीगा, इस ते अंदर एक विले सीगा, उनके ऊपर बेस्ड है वाला नावल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय द्वारा लिखा गया सी 1960 विच, तब भाई इतने दर्शन कर सकते सी इससे, याद रहूगा अरुंधति रॉय। ओके है जी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आदि को चेक करो बाय अरुंधति रॉय, ठीक है। चलिए जी, ओके डन, आ जाओ भी अगले क्वेश्चन। चलो, इन विच नॉवल डज आरके नारायण फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। चलो पहला आप ही करते हैं, इन्होंने जेडे ने वर्क्स ने आरके नारायण दे, आप देखिए भी सब तो पहला वर्क केड़ा सी, उन्होंने दूजा केड़ा सी, तीजा सी, असि हुने दे हुने डिस्कस करके लिखे हैं। द गाइड कदों आया 1950 1950, इन्हों मिलिया 1960 च, की मिलिया सी साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया सी। सब तो पहला केड़ा सीगा जी उन्हों दा वर्क 1935 स्मॉल स्वामी एंड हिज स्वामी एंड फ्रेंड्स। उस तो बाद अगर उन्होंने दूसरा वर्क गल करिए तो इंग्लिश टीचर कदों आया सी, उस तो बाद आया सी 1945 च आया सी। द पेंटर ऑफ साइंस काफी ज्यादा फेमस, जेड़ा कि पब्लिश होया सी कदों होया सीगा 1976। द गाइड टूरिस्ट राजू बारे है, ये लव बारे दसता है, द इंग्लिश टीचर उन्होंने अपनी वाइफ की डेथ तो बाद ये लिखा सी। स्वामी एंड फ्रेंड्स उन्होंने सब तो पहला सीगा वर्क, ठीक है, जिंदे च उन्हें उन्होंने स्वामी के फ्रेंड्स बारे गल की सी। फैमिली प्लानिंग बारे उन्होंने किदो गल की, केड़े नावल च की सी, फैमिली प्लानिंग वास्ते उन्होंने गल की सी, द पेंटर ऑफ साइंस। द पेंटर ऑफ साइंस याद है, जिस च मेन करैक्टर कौन सीगा, जिसका मेन करैक्टर कौन सी, रमन अ पेंटर, आर के नारायण दी फेमस क्रिएशन दैट इज पेंटर ऑफ साइंस, क्लियर। कदों सी, कदों पब्लिश होया 1976 विच, कदों सी 1976 विच, डन, ओके जी। चलिए अगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ चुकी जी। हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन एम के आनंद टू लीव्स एंड अ बर्ड, मुल्क राज आनंद बारे अगर असि वापिस चलिए थोड़ा जा तो याद करांगे, मुल्क राज आनंद का बर्थ कदों होया 1905 विच। एक होर भी कोई चीज हमने याद कराई सी कि जदों इन्हों का बर्थ होया सी 1905 विच, रविंद्र नाथ टैगोर ने की करता सी, नेशनल एंथम लिखता सी कितों का, बांग्लादेश का, अमर शोनर बांग्ला, अमर शोनर बांग्ला, राइट, ठीक है जी। तो अगर असी गल करिए मेन करैक्टर मेन हीरो टू लीव्स एंड अ बर्ड, टू लीव्स एंड बर्ड की गल करिए बई कदों कदों पब्लिश होया सी, पहले तो असं ये सोचिए कि कदों पब्लिश होया सी, ये पब्लिश होया सी 1937 1937। राजू ऑप्शन सब तो पहला कट्टो क्यों, राजू द गाइड, ये तो भाई आर के नारायण जी का नावल सीगा 1958 विच, ठीक है जी। हुण अगर असी गल करिए नेक्स्ट नेक्स्ट असी गल करिए कुली, कुली याद है, कुली कुली वाली स्टोरी याद है, कुली जेड़ा एक नावल सी इन्हां दा मुल्क राज आनंद दा, ओ पब्लिश होया सी 1936, याद है। उनका जेड़ा मेन करैक्टर सी ओ कौन सी, मुन्नू सी, मुन्नू कौन सी, मुन्नू सी। अगर असी गल करिए एक ना बहुत ही फेमस हिट हिट काम किया सी मुल्क राज आनंद जी ने 1935, जिवें आपां कहिंदे ना आर के नारायण ने 1935 च लिखिया सीगा स्वामी एंड फ्रेंड्स, तां इन्हां ने 1935 च लिखिया सी बहुत ही ज्यादा हिट फिट, ठीक है जी, मुल्क राज आनंद दा बर्थ 1905 च, अनटचेबल, याद है जी, अनटचेबल बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा सबनों याद है 1935 च, 1936 पुली आया सी। तो भाई गंगू कदों आया सी, तो जेड़ा मेन करैक्टर है वो भाई किंदा है, टू लीव्स एंड बर्ड, जेड़ा की पब्लिश होया सी 1907 च, 1907 च, 1937 सॉरी 1907 नहीं 1937 च। मेन करैक्टर कौन सी उहदे च, गंगू सी, मेन करैक्टर कौन सी उस च, गंगू सी। अगर असी गल करिए किस ते बेस्ड है टू लीव्स एंड अ बर्ड,
ਇਹ ਟੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਏ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਟੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਸਾਮ ਬੇਸਡ ਔਨ ਟੂ ਲੀਵਸ ਐਂਡ ਅ ਵਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਟੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਸਾਮ, ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਵਰਟ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੰਗੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਵੈਨ ਡਿਡ ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਗੈਟ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ? ਥਰਡ ਹਾਈਐਸਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਕੋਰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਚਲੋ ਓਕੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1978 ਵਿੱਚ, 1978 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ। ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ, ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1960 ਵਿੱਚ, ਦ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1971 ਚ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ ਫੇਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ 1968 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ 1978, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ, ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2014 ਵਿੱਚ, ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? 2014 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਇੱਕ ਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਫਾਇਰ ਔਨ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਔਨ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? 1978 ਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਸਾਹਿਤ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 14 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਫਾਇਰ ਔਨ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਾਇਰ ਔਨ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2014 ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ, ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਟਰੁੱਥ ਲਵ ਐਂਡ ਅ ਲਿਟਲ ਮਲਾਈਸ? ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਨੇ ਵੀ ਕਿੰਦਾ ਫੇਮਸ ਵਰਡ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਫੇਮਸ ਵਰਕ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਏ ਸੋਰੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਫੇਮਸ ਵਰਕ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫੇਮਸ ਵਰਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰੁੱਥ ਲਵ ਐਂਡ ਅ ਲਿਟਲ ਮਲਾਈਸ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 1953 ਚ ਨਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1953 ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ ਇਸਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 1953 ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖਸ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, ਇਹ ਵੀ 1953 ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1990 ਦੀ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਨਾਮਲ, ਰਾਈਟ?
ये वाली ऑप्शन भी कट दिए। उदो बाद असी असी गल करिए 1963 विच, क्लियर, अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स। फिर एक उन्हों का वर्क आया अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स, कदों आया जी 1963। मतलब मैं तुम कहा कि ये ना काफी लेट जाके, अगर असि गल करिए खुशवंत सिंह का बर्थ कदों होया सी, याद करने की कोशिश करो। सब तो पहला रविंद्रनाथ टैगोर 1861, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, कौन बड़ा सी इन्हां च कौन छोटा सीगा। मुल्क राज आनंद था 1905, आर के नारायण जी का 1906। उस तो बाद असी गल करते सी खुशवंत सिंह जी का, खुशवंत सिंह का बर्थ कदों होया सीगा 1915। मैं कहा सी काफी लेट जाके इन्होंने काम किया सी, ये वाला जो वर्क सी इन्होंने कदों पब्लिश होया सी 2002 विच होया सी, कदों होया सी 2002 विच इन्हां दे वाला वर्क पब्लिश होया सी। डन है जी। जे ऐदां छोटे जे सेशन नाल एक किन्निया सारिया चीजा असीं रिकॉल कर सकते जां कनेक्ट करते हाँ, याद करने की कोशिश करांगे तां डेफिनेटली चीजा सानू याद रहेंगे। ठीक है, तां इस तरीके नाल अपनी स्टडी कंटिन्यू करते चलो, चीजा नू रिकॉल करो, याद करो, जिन्ना ज्यादा इन्हां नू पढ़ोगे उन्ना ही तुहानू बेनीफिट मिलता जाएगा। उस तो बाद अगर तुसीं फुल फ्लैज कंप्लीट तैयारी करना चाहुंदे हो, हुणे ही स्टार्ट हो जाओ, टाइम है, सही मौका है तुहाडे कोल, क्योंकि बहुत ज्यादा काम हो जाता है इस च। लिटरेचर दे राइटर्स दी अगर गल करिए तां तुहानू ही पता है कि 60-70 राइटर्स ही ने, वाधू काम है ना। लिंग्विस्टिक्स दी गल करिए, ग्रामर दे क्वेश्चंस आ जांदे हैं। सो अगर फुल फ्लैज तैयारी करना चाहुंदे हो तां अपना बैच नवा स्टार्ट हो चुका है मास्टर कैडर दा। ठीक है जी, 1 ईयर दी वैलिडिटी वाला बैच है। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत लगती है तुसीं, तां भाई इस नंबर ते तुसीं कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तां डन, ओके जी, मिलते हैं फिर साढ़े नेक्स्ट सेशन च, सेशन नंबर 2, एमसीक्यू सेशन नंबर 2, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले सेशन च। बाय, टेक केयर।